हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए सिंघाड़े की सब्जी की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंघाड़े को पानी फल भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब्जी की रेसिपी बताना सिखाऊंगी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में, सबसे पहले सिंघाड़े का छिलका हम ऐसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर सारे सिंघाड़े का छिलका निकाल ली हूँ। मैं यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर ली हूँ। 3 मीडियम साइज़ प्याज को कट कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ टमाटर को कट कर लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ लेकर एक साथ कूट लेंगे। 2 हरा मिर्च ले लेंगे। 1 डंठल हरी धनिया को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और 250 ग्राम सिंघाड़ा को ले लेंगे। आप कढ़ाई या पैन को गैस पर ऑन करके रख लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल को डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम पंचफोरन को ऐड कर देंगे। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 2 खड़ा लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और उसके बाद कटे हुए प्याज को ऐड कर लेंगे। अब इसे धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जब प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो उसमें खड़ा साबुत मसाला को ऐड कर लेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें सिंघाड़े को और कटे हुए टमाटर को ऐड कर लेंगे। इन सब को एक साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट तक फ्राई ऐसे ही करते रहें। फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें मसाले को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 कप पानी को ऐड कर लेंगे और सबको एक साथ ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। आप अपने ग्रेवी के अनुसार पानी को ऐड कर लेंगे और इसके स्वाद के अनुसार नमक को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसे ढक करके 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते हुए इसे ऐसे चलाते रहें। 15 से 20 मिनट में ये पककर अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, मेरी सिंघाड़े की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई रेसिपी आपके सामने बनाकर मैं लाती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।